ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ से लेकर यहाँ पर हम जम्फर मारेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जम्फर मारेंगे। यहाँ ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर एक हम जोड़ देंगे। ये वाला और ये, एक दो तीन चार, चार चौथे नंबर आप लोग देख लीजिएगा कायदे से। ये वाला एक दो तीन चार, यहाँ से लेकर के और ये पावर सप्लाई का प्लस वाला, इस पर आप लोग जम्फर मार दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो हम जम्फर मारते हैं। ये जम्फर वायर लिया है, तो इसमें हम यहाँ पर जम्फर मारेंगे, इसमें इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर हमने जम्फर देखिए, हमने इसको जम्फर मार दिया और एक जम्फर हम लगा देंगे प्लस वाले पे। और ये हमारी प्लस वाली वायर है, इस पर हम एक जम्फर मार रहे हैं। ये चालू हो गया, तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये वाला जम्फर है, ये वाला एक दो तीन चार, चार से ये वाली आईसी दोनों हैं, दोनों का एक ही कनेक्शन है। तो एक दो तीन चौथा उठा करके ये वाले, ये स्विच है, इस पर ये वाला जम्फर यहाँ पे मार देना है, तो ये आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए लाइट जलने लगी है, इसका मतलब ये हमारा ऑन हो गया है। तो इसको अब हम फिट करके देखते हैं। ये इसमें लगा रहे हैं, तो दोस्तों ये देखिए हमने इसको फिट कर दिया है। तो इसको आप ऑन करके देखते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सही हो गया है एकदम। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो, और आप लोग इसी तरीके से ब्लूटूथ स्पीकर सही कर सकते हैं। धन्यवाद।
7 700 रुपये के हैं। हेलो दोस्तों, तो ये हमारे पास एक पुरानी बैटरी कबाड़ से मैंने 100 रुपये में ख़रीदा है, और ये हमारे लैपटॉप की बैटरी है ई मशीन की। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसके सेल इस पे डालेंगे, इस वाली बैटरी के सेल जो है हम इसमें डालेंगे, और फिर इसका रिस्पांस देखते हैं, क्योंकि ये लगभग हमारे पास 12 साल की हो गई है, और इसमें हमने सेल भी बदला था तो अच्छे अच्छे काम नहीं कर रहे थे, तो हमने इसके सोचा कि लैपटॉप के ही सेल की बैटरी इस पे सेल डाल दें, तो देखते हैं क्या रिस्पांस होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाली बैटरी के सेल निकालेंगे। तो ये कैसे खुलती है आप लोग देखते रहिए। ये हमारे पास ओपनर है, तो इसको तोड़कर ही निकाली जा सकती है। तो क्या करेंगे, हम इसको इधर से ओपन करेंगे। ये देखो, इसका एक सिरा मिल गया है, इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे। बड़ी टाइट खुल रही है, खोली जाएगी। आप लोग संभाल के खोलिएगा, क्योंकि इसमें चोट भी लग सकती है। इस तरीके से ये इसमें सेल निकल आते हैं। ये हमको लग रहा है ये इसका हमने निकाल लिया, इसके सेल वगैरह सब निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने सेल इसके सारे निकाल लिए हैं। अब ये खाली खोखल बचा है, तो इसको हम साइड लगा देंगे। तो इसमें देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से सेल लगे होते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम एक वोल्टेज चेक करेंगे, देखते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। इसमें 1.5 वोल्टेज है, और इन दोनों में देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है।
लगभग इसमें भी पॉइंट कितना भी आ रहा है, तो इसमें देखते हैं तो इसमें इतना आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से, इसको भी खोल लेंगे इसी तरीके से। ये अलग है, इसका अलग, इसका अलग, इसको भी हम इस तरीके से खोल लेंगे। इसको भी थोड़ा संभाल के खोला जाएगा कि टूटे ना। टूट रहे, क्योंकि ये फेविकोल से बहुत हार्ड चिपकी हुई है। फाइनली ये टूट टाट के, इधर सब टूट टाट के आखिर खुल ही गई। ये इस तरीके से हमने बहुत ही जुगाड़ जुगूड़ लगा करके इसको हमने खोला। इस तरीके से खुली है ये बैटरी, ये देखिए। तो ये इस तरीके से पड़ी हुई थी, आप लोग वीडियो में देखिएगा। ये इसकी पीछे वाली बॉडी निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये लगी हुई है, और हमें भी इसी तरीके से इसको लगाना है सीरीज बना के, इसको निकाल करके इसमें इसी तरीके से फिट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जिस जिस तरीके से ये लगे हुए हैं उस तरीके से हम इसमें फिट करते जाएंगे। तो उससे पहले हम आयरन को थोड़ा सा, दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, पहले ये सारे सेल को हम अलग अलग कर लेंगे, बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये इसका निकाल देंगे, पूरी प्लेट जो है हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनका हम सबको अलग अलग कर लेंगे। और जिस तरीके से ये सब सीरीज जुड़ी है उसी तरीके से हम इसमें सीरीज जोड़ते जाएंगे। तो जिस तरीके से ये सीरीज है, तो इसमें प्लस का प्लस Thank you.
ये प्लस का है, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद रंगा भी लगाएंगे, और रंगा के बाद ये जो है इस तरीके से हम इसको इसमें चिपका देंगे। बहुत टाइम लगेगा मगर वीडियो में बने रहिएगा। ये इसमें हमने जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे हम, ये इधर माइनस का है तो माइनस को भी इधर हम, क्योंकि जिस तरीके से सीरीज है उसी तरीके से सीरीज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सीरीज नहीं होगी तो फिर ये बनेगा नहीं। ये जुड़ गया है। अब क्या करेंगे, ये इसे सीरीज बन गई है। अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और एक दूसरे सेल को इसमें लगाएंगे। जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो हम इसके भी दोनों साइड रंगा लगा देते हैं, इधर भी साइड और उधर भी साइड। के लगाने के बाद इसका भी सीरीज हटा देंगे। ये माइनस, ये प्लस, प्लस था तो इसे थोड़ा सा रंगा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसी में ये प्लस इस तरीके से हम जोड़ देंगे। इस तरीके से ये जुड़ गया है। फिर इसको जो है इसमें इस तरीके से जोड़ देंगे।
ये जुड़ गया इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली सीरीज भी हम हटा देंगे। इस तरीके से ये माइनस है, इसका भी हम ये काट लेंगे। तो इसमें हम इसको और इसको हटाएंगे। ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस को इस तरीके से प्लस में लगाएंगे और इसको माइनस में लगाएंगे। ये जो माइनस में है ये लग गया। तो ये सीरीज जो है हमारी इस तरीके से ये इसमें लग जाएगी। ये इसे लग जाएगी। अब क्या करेंगे, इस ये वाला जो है हटा करके इसको निकाल करके
माइनस इसलिए लग गया, माइनस लगना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इस पर प्लस लग गया, इसमें माइनस लगना चाहिए था, तो हमने इसको हटा दिया। तो इसलिए हम माइनस लगा देते। कभी कभी गलती हो जाती है, अगर आप लोग गलती ना कर लें। इसको निकाल करके प्लस से ये प्लस में लगा देंगे, ये इसमें लगा देंगे। अब थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा हम ये निकाल के लगाते हैं। तो इसको भी हम माइनस का ही माइनस पॉइंट को लगा देंगे। इसको हम इस पर लगा देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से
अब क्या करेंगे, लास्ट बचा हुआ है ये वाला सेल, तो हमको लग रहा है इसको हम इसे निकाल करके, और ये तो निकला है ही, तो इसको प्लस वाले से निकाल करके और ये जोड़ देंगे प्लस में प्लस। इसको थोड़ा सा ये हटा देते हैं, इसको इस तरीके से निकाल करके ये हमारी सीरीज तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको इसमें फिट करेंगे। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब क्लीन करने के बाद इसको हम पहले चेक कर लेंगे कि पूरी तरीके से फिट है कि नहीं। तो इसमें हम इस तरीके से इसको फिट कर देंगे। जैसे था इस तरीके से इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये फिट हो गई है, तो इसमें ये हम कवर लगा देंगे इस तरीके से। बहुत टूट फाट गई है ये, तो इसको हम कैसे ना कैसे जोड़ेंगे जरूर इस तरीके से। टूटने टूटने से क्या बना रही है गुरु जी? या बना रहे बैटरी, लैपटॉप वाली, लैपटॉप वाले बैटरी बना रहे हैं। बनी गई है अब का। तो इसको हमने साइड साइड से ये सब फेविकोल चिपका दिया है इस तरीके से, सब साइड साइड से फेविकोल चिपका दिया है, और इसमें भी इधर भी चिपका दिया है मैंने थोड़ा साइड साइड से, ये देख लीजिए। तो दोस्तों फाइनली ये सब चिपक गया है, और ये लास्ट में बचा हुआ है ये इधर, तो
इसको हम नहीं चिपकाएंगे, फिर कहीं से रहने देंगे। तो फाइनली ये सब चिपक गया है, आप लोग देखिएगा ये हमारा जुगाड़ किस तरीके से लगता है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अब देखते हैं इसमें हम किस तरीके से ये काम करता है कि नहीं करता है। तो फाइनली ये लैपटॉप है जो इसमें बैटरी ये डाल करके देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा तो ये इसमें बैटरी डाल के देखते हैं। फाइनली इसमें बैठ गया है, अब देखते हैं इसमें क्या चलता है कि नहीं चलता है। ये देखो काम कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है बल्ब, ये बल्ब चार्जिंग का, और इसमें फाइनली देखो वर्क कर रहा है, बैटरी भी सोच रही है मतलब करने को। हेलो दोस्तों, तो ये हमारे पास एक पुरानी बैटरी कबाड़ से मैंने 100 रुपये में ख़रीदा है, और ये हमारे लैपटॉप की बैटरी है ई मशीन की। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसके सेल इस पे डालेंगे, इस वाली बैटरी के सेल जो है हम इसमें डालेंगे, और फिर इसका रिस्पांस देखते हैं, क्योंकि ये लगभग हमारे पास 12 साल की हो गई है, और इसमें हमने सेल भी बदला था तो अच्छे अच्छे काम नहीं कर रहे थे। तो हमने इसके सोचा कि लैपटॉप के ही सेल की बैटरी इस पर सेल डाल दें, तो देखते हैं क्या रिस्पांस होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाली बैटरी के सेल निकालेंगे। तो ये कैसे खुलती है आप लोग देखते रहिए। ये हमारे पास ओपनर है, तो इसको तोड़कर ही निकाली जा सकती है। तो क्या करेंगे, हम इसको इधर से ओपन करेंगे। ये देखो इसका एक सिरा मिल गया है, तरीके से हम इसको खोल लेंगे, बड़ी टाइट खुल रही है। ये देखिए, ये इस तरीके से खोली जाएगी। आप लोग संभाल के खोलिएगा क्योंकि इसमें चोट भी लग सकती है। ये इसमें सेल निकल आते हैं, ये हमको लग रहा है ये इसका हमने निकाल लिया, इसके सेल वगैरह सब निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सेल इसके सारे निकाल लिए हैं, अब ये खाली खोखल बचा है तो इसको हम साइड लगा देंगे। तो इसमें देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से सेल लगे होते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम एक वोल्टेज चेक करेंगे, देखते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसमें 1.5 वोल्टेज है, और इन दोनों में देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। लगभग इसमें भी पॉइंट कितना भी आ रहा है, तो इसमें देखते हैं तो इसमें इतना आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से इसको भी खोल लेंगे इसी तरीके से। ये अलग है, इसका अलग, इसका अलग,
इसको भी हम इस तरीके से खोल लेंगे। इसको भी थोड़ा संभाल के खोला जाएगा कि टूटे ना। टूट रहे क्योंकि ये फेविकोल से बहुत हार्ड चिपकी हुई है। फाइनली ये टूट टाट के, जब सब टूट टाट के आखिर खुल ही गई। ये इस तरीके से हमने बहुत ही जुगाड़ जुगूड़ लगा करके इसको हमने खोला। ये देखिए इस तरीके से खुली है ये बैटरी। ये देखिए तो ये इस तरीके से पड़ी हुई थी, आप लोग वीडियो में देखिएगा। ये इसकी पीछे वाली बॉडी निकाल लेते हैं। ये देख इस तरीके से ये लगी हुई है और हमें भी इसी तरीके से इसको लगाना है सीरीज बना के इसको निकाल करके इसमें इसी तरीके से फिट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जिस जिस तरीके से ये लगे हुए हैं उस तरीके से हम इसमें फिट करते जाएंगे। तो उससे पहले हम आयरन को थोड़ा सा, दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, पहले ये सारे सेल को हम अलग अलग कर लेंगे, बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। फिर इसमें हम सबसे पहले ये इसका निकाल देंगे। पूरी प्लेट जो है हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनका हम सबको अलग अलग कर लेंगे। और जिस तरीके से ये सब सीरीज जुड़ी है उसी तरीके से हम इसमें सीरीज जोड़ते जाएंगे। तो जिस तरीके से ये सीरीज है तो इसमें प्लस का प्लस प्लस का है तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद
रांगा भी लगाएंगे, और रांगा के बाद ये जो है इस तरीके से हम इसको इसमें चिपका देंगे। बहुत टाइम लगेगा मगर वीडियो में बने रहिएगा। ये इसमें हमने जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे हम, ये इधर माइनस का है तो माइनस को भी इधर हम, क्योंकि जिस तरीके से सीरीज़ है उसी तरीके से सीरीज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सीरीज़ नहीं होगी तो फिर ये बनेगा नहीं। ये जुड़ गया है। अब क्या करेंगे, ये इसे सीरीज बन गई है। अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और एक दूसरे सेल को इसमें लगाएंगे। जैसे ये सेल है तो हम इसके भी दोनों साइड रंगा लगा देते हैं, इधर भी साइड और उधर भी साइड। लगाने के बाद इसका भी सीरीज हटा देंगे ये। ये माइनस, ये प्लस, प्लस था तो इसे थोड़ा सा रंगा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसी में ये प्लस इस तरीके से हम जोड़ देंगे। इस तरीके से ये जुड़ गया है। फिर इसको जो है इसमें इस तरीके से जोड़ देंगे हम। ये जुड़ गया इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे,
ये वाली सीरीज भी हम हटा देंगे। इस तरीके से ये माइनस है, इसका भी हम ये काट लेंगे। इसमें हम इसको और इसको हटाएंगे। ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस को इस तरीके से प्लस में लगाएंगे, और इसको माइनस में लगाएंगे। ये जो माइनस में ये लग गया है, तो ये सीरीज जो है हमारी इस तरीके से ये इसमें लग जाएगी। ये इसे लग जाएगी। अब क्या करेंगे, इस ये वाला जो है हटा करके इसको निकाल करके प्लस इसमें लग गया, माइनस लगना चाहिए था। चलिए कोई
बाद में ही इस पर प्लस लग गया, इसमें माइनस लगना चाहिए था तो हमने इसको हटा दिया। तो इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, अगर आपने गलती ना कर ली। इसको निकाल करके प्लस में ये प्लस में लगा देंगे, ये इसमें लगा देंगे। अब थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा हम ये निकाल के लगाते हैं। तो इसको भी हम माइनस का ही माइनस पॉइंट को लगा देंगे। इसको हम इस पे लगा देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से
अब क्या करेंगे, लास्ट बचा हुआ है ये वाला सेल, तो हमको लग रहा है इसको हम इसे निकाल करके, और ये तो निकला है ही है, तो इसको प्लस वाले से निकाल करके और ये जोड़ देंगे प्लस में प्लस। इसको थोड़ा सा ये हटा देते हैं, को इस तरीके से निकाल करके ये हमारी सीरीज तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको इसमें फिट करेंगे। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब क्लीन करने के बाद इसको हम पहले चेक कर लेंगे कि पूरी तरीके से ठीक है कि नहीं। तो इसमें हम इस तरीके से इसको फिट कर देंगे। जैसे था इस तरीके से इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये फिट हो गई है, तो इसमें ये हम कवर लगा देंगे इस तरीके से। बहुत टूट फाट गई है ये, तो इसको हम कैसे ना कैसे जोड़ेंगे जरूर इस तरीके से। टूटने टूटने क्या बना रही है, या ये बना रहे बैटरी, लैपटॉप वाली, लैपटॉप वाले बैटरी बना रहे हैं। बनी गई है अब का, टूट फाट ज़्यादा गई। तो इसको हमने साइड साइड से ये सब फेविक्विक चिपका दिया है इस तरीके से, सब साइड साइड से फेविक्विक चिपका दिया है, और इसमें भी इधर भी चिपका दिया है मैंने थोड़ा साइड साइड से, ये देख लीजिए। तो दोस्तों फाइनली ये सब चिपक गया है, और ये लास्ट में बचा हुआ है ये इधर, तो
इसको हम नहीं चिपकाएंगे, फिर कहीं से रहने देंगे। तो फाइनली ये सब चिपक गया है। आप लोग देखिएगा ये हमारा जुगाड़ किस तरीके से लगता है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अब देखते हैं इसमें हम किस तरीके से ये काम करता कि नहीं करता है। तो फाइनली ये लैपटॉप है जो इसमें बैटरी ये डाल करके देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा तो ये इसमें बैटरी डाल के देखते हैं। फाइनली इसमें बैठ गया है, अब देखते हैं इसमें क्या चलता है कि नहीं चलता है। ये देखो काम कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है बल्ब, ये बल्ब चार्जिंग का, और इसमें फाइनली देखो वर्क कर रहा है, बैटरी भी सो हो रही है।